अर्चना, इस विषय बेहद दुखद खबर सामने आ रही। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। उन्होंने बांद्रा स्थित एक अस्पताल में अंतिम सांस ली तो 71 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गई। डांस की मल्लिका सरोज खान की ये बड़ी खबरदार है। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया। वे बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें बांद्रा स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। देर रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। उनका COVID-19 टेस्ट निगेटिव आया है। वे 71 साल की थी। बता दें कि सरोज खान को गुरु नानक हॉस्पिटल में सांस की तकलीफ के चलते 20 जून को भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती होने से पहले उनका कोविड टेस्ट कराया गया था जो निगेटिव आया। सरोज खान के परिवार से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया था कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जल्द उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। सरोज खान का अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुंबई स्थित मलाड के मलवाणी में होगा। तो 4 दशक के लंबे करियर में सरोज खान को 2000 से ज़्यादा गानों की कोरियोग्राफी करने का श्रेय हासिल है। सरोज खान को अपनी कोरियोग्राफी की कला के चलते 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में डोला रे डोला गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो ये बड़ी अपडेट और दुखद खबर सामने आ रही है। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है।